इस बारे कैमरे का ट्राफिक क्लास चल रहा था पहले पेज के अंत में 25/91 पहले पेज का अंत। अभी सभी समूह प्रधान है क्योंकि पीढ़ी तो नीचे उतरनी है, नीचे तो सबको आना है। अब बाप समझाते हैं ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के नीचे आना तो है और सभी समूह प्रधान है, लेकिन इशारा दे रहे हैं कि क्यों नीचे गिरे हैं, क्योंकि ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग है ही दुर्गति का मार्ग जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। ये ज्ञान बाप उन बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहा है। जैसे पुरुष रचयिता होता है अपने बच्चों का, और उनसे भी पहले किसका रचयिता होता है, स्त्री का रचयिता होता है। स्त्री को अडॉप्ट करता है तुम मेरी हो, तो जिसको अडॉप्ट करता है उस पति के अलावा उसके रोम रोम को जानने वाला और कोई नहीं हो सकता। तो पहली रचना हुई बनने, तो जो पहली रचना है जिससे और रचना रची जाती है, बाप की बनाई जाती है, तो उस पहली रचना की विशेषता बताई। पहली रचना की विशेषता है कि अन्य जो रचना रची जाए उसका बाप से संबंध जोड़ना। लौकिक में भी ऐसे ही होता है तो अलौकिक में भी ऐसे ही होता है। ये पहली रचना का विशेष कर्तव्य है। तो बाप रचयिता वो तो समझ लिया कि आत्माओं का बाप रचयिता तो होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा है तो अनाज अविनाशी, वो तो रची नहीं जाती। बाकी आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, जिस परम आत्मा में परम पाठ बजाने वाली आत्मा में प्रवेश करता है, उसके द्वारा वो रचयिता बनता है। तो रचयिता जब पहली रचना को रचता है, तो पहली रचना का ये विशेष कर्तव्य बनता है कि बाप की जो भी रचना बनने वाली है उस रचना का बाप का उस रचना को बाप का पूरा परिचय दे और बाप का बनाए, बाप से संबंध जुटाए। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नई नई रचना होती है फर्स्ट रचना के बाद, उन बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये हमारा बाप है। तो ये कर्तव्य किसका है? माँ का। पहली रचना का ये कर्तव्य है कि बाद वाली रचना का बाप से संबंध जुटाए, बाप का परिचय देकर। लौकिक दुनिया में भी माँ ही बाप का परिचय देती, नहीं तो बच्चे पहले किसे जानते हैं? माँ को जानते हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मणों की संघ में भी दुनिया में बच्चों ने पहले किसको जाना, बाप को जाना या माँ को जाना? बाप को जाना। बाप को जाना। अरे पहले बाप को जाना, पहले ब्रह्मा माँ को जाना, बाप को नहीं जाना। तो उस माँ का कर्तव्य होता है बच्चों से बाप का संबंध है, या बच्चों का बाप से संबंध जुड़वाना, ताकि वो बच्चे बाप से वर्षा ले सके। संबंध ही टूटा हुआ होगा तो बाप का वर्षा कैसे प्राप्त कर सकेंगे? अरब पति का बच्चा क्यों न हो, अगर बाप से कनेक्शन टूटा हुआ है, बाप से कनेक्शन संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, तो पैसे को मोहताज हो सकता है। लेकिन अगर संबंध जुटा हुआ है, वो प्रीति है, संबंध का सुख अनुभव करने वाला है और बाप को कराने वाला है, तो वो पैसे के लिए मोहताज क्यों होगा? इसलिए बाबा भी मुरली में बार बार बच्चों से पूछते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि जब हमारा बाप हेवनली गॉड फादर है, हेवन का रचयिता है, तो हम दुखी क्यों हैं? होने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए।
अगर हेवनली गॉड फादर के हम बच्चे बन चुके, उसको पहचान लिया, उससे हमने संबंध जोड़ लिया, प्रैक्टिकल कनेक्शन है हमारा, तो बाप का बच्चा कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि बाप स्वर्ग का रचयिता है। जहाँ सुख की खान है, स्वर्ग मानो सुख, सुख की दुनिया, तो हम बच्चे दुख में कैसे हो सकते। बल नरक की दुनिया में भी हो, लेकिन नरक की दुनिया में होने के बावजूद भी ज्ञान सागर बाप के बच्चे ज्ञान की अथॉरिटी से दुख को कभी दुख अनुभव नहीं कर सकते। अगर दुख अनुभव करते हैं, आंख में आंसू आते हैं, दिल में गम आता है, तो वो बाप के बच्चे अभी नहीं बने, बाप से संबंध उनका नहीं जुटा है। तो बाप का वर्षा कल्प कल्प तुम बच्चों को मिलता है, जिनको दिया था उन्हीं को देते रहेंगे, उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहा है। देने वाला कौन है? रचयिता। देता किसके द्वारा है? है रचना, जो फर्स्ट रचना है उसके द्वारा, ब्रह्मा, बड़ी माँ। लेकिन अब बड़ी माँ ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर है बड़ी माँ ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? अब किसके द्वारा बच्चों को पहचान कैसे हो? फिर रचयिता बाप आया हुआ है, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे रहा है, क्योंकि प्रवृत्ति में रहते बाप ने योग सिखाया। ब्रह्मा माँ को तो पहचाना, लेकिन छोटे छोटे बच्चे तो माँ को ही सब कुछ समझते हैं, उन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति का तो ज्ञान होता ही नहीं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि में आता है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, तो उन्होंने माँ को ही बाप समझ लिया, माँ को ही अम्मा समझ, माँ ही सब कुछ उनकी होगी। लेकिन वास्तव में माँ यानी ब्रह्मा, उनका जीवन अलौकिकता में कोई ग्रस्त जीवन नहीं था। क्यों? सरस्वती माँ नहीं थी क्या? सरस्वती तो उनकी बेटी थी। कहाँ 60-70 साल का बुड्ढा और कहाँ 14-15 साल की कन्या, ये कोई युगल जोड़ी नहीं बनती। तो वो तो उनकी कन्या थी, बाप और कन्या का संबंध था, वो संबंध कोई प्रवृत्ति मार्ग का संबंध, पति पत्नी का नहीं कहा जा सकता, बन्ना बन्नी का संबंध नहीं कहा जा सकता। तो वो माँ, जिस माँ को गलत कहने के कारण बच्चों ने माँ बाप दोनों समझ लिया, वो माँ ही किसी ब्राह्मण बच्चे में फिर प्रवेश करती है और बच्चों को परिचय फिर मिलता है। लेकिन माँ तो साकार होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप निराकार हो और माँ माँ साकार हो जाए? वो बाप निराकार हो माँ साकार हो जाए। संबंध जोड़ने के लिए, पति पत्नी का संबंध जोड़ने के लिए एक मेल और एक फीमेल चाहिए। ब्रह्मा का तन भी पुरुषतम था, इसलिए ब्रह्मा को मात्र कन्याओं माताओं की संभाल के लिए निमित्त बनाया। वास्तव में वो कोई माँ माँ नहीं थी, ऐसा मुरलियों में भी बोला हुआ है। तो ब्रह्मा जब प्रवेश करते हैं तो उसकी निशानी भक्ति मार्ग में क्या दिखाई है? शंकर के माथे पर चंद्रमा। लेकिन ये माता पिता का रोल नहीं हुआ, बाप दादा कंबाइंड तो कह सकते हैं, लेकिन माता पिता की प्रत्यक्षता नहीं कही जा सकती। इसलिए एक टीचू में अगर 82 के बाद 83 का संग चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना? क्या संग 83 चल रहा है तो 83 में 13 होना चाहिए ना? इसका मतलब 83 में ना 83 यानी 83 में 13 होना चाहिए ना? 13 माना है पाप का। तो क्या इतने वर्ष यज्ञ को व्यतीत हो गए, 37 से लेकर के 83 तक, और अभी तक 13 कोई बना ही नहीं है? बना है? बना ही नहीं। ब्रह्मा बना, वो भी नहीं बना।
अरे ब्रह्मा माँ, मूछो वाली माँ, वो बाप की बनी कि नहीं बनी है? नहीं बनी, आत्मा तो बनी लेकिन कैसे? हाँ, आत्मा तो बनी लेकिन माता पिता का जो प्यार मुरली में बोला जाता है, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, वो उसका प्रैक्टिकल अर्थ न बच्चे समझ सके और न उसकी अनुभूति कर सके। तो वही ब्रह्मा माँ जो पुरुष तन धारण किए हुए होती है, वो शंकर के माथे पर चंद्रमा के रूप में सुशोभित तो होती है। लेकिन एक कहावत होती है हिंदी में, तुम्हारी बात सर माथे पर, या हम तुमको सर माथे पर चढ़ाते हैं। तो सर माथे पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ है? किसी को जैसे भगवान के चरणों की धूल कहाँ चढ़ाई जाती है? माथे पर चढ़ाई जाती है। तो बाप आते हैं तो माता को क्या कहते हैं? माता हमारी गुरु। वास्तव में सुप्रीम सोल के लिए तो ये बात नहीं है। किस बात की गुरु बनेगी? सुप्रीम सोल क्या है? इंप्योर है जो पवित्रता को धारण करने के लिए माता उसकी गुरु बनेगी? सुप्रीम सोल क्या दुर्योधन दुशासन है जो दुर्योधन दुशासन को माता सुधारेगी? क्योंकि कन्या माताओं में तो वो भारत की कन्या माताओं में तो खास प्योरिटी की विशेषता होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं। वो निराकार सुप्रीम सोल जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है, पहले पहले आदि में और अंत में, तो वो मुकर्रर रथ साबित होता है। उस मुकर्रर रथ के द्वारा बाप बाप का पार्ट बजाता है, जगत पिता का पार्ट बजाता है, जिसके लिए आया हुआ है शास्त्र में, तुम आदि देव है पुरुष है पुराण, तुम आदि देव हो। तो जो आदि देवता है वो आदि ब्राह्मण भी होगा, आदि क्षत्रिय होगा, आदि वैश्य भी होगा, आदि शूद्र भी होगा, फिर आदि ब्राह्मण होगा। तो तुम आदि देव है, आदि ब्राह्मण माने चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंचा ब्राह्मण। तो उस आदि देव या एडम या आदम में परमात्मा शिव प्रवेश करके बनना बनते हैं। प्रैक्टिकल में यज्ञ के आदि में प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, था प्रैक्टिकल, लेकिन वास्तव में आदि में हुआ तो ही अंत में होना चाहिए। लेकिन यज्ञ के आदि में माँ कौन थी वो बच्चों ने नहीं पहचाना। जो आदि में ब्रह्मा तो अंत में माँ और बाप का तो टाइटल सबसे ऊंचा है, उनकी तो स्टेज परिवार में जो कुटुम्ब होता है उसमें सबसे ऊंची स्टेज होती है ना, उनके ऊपर कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकता। बच्चे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? अगर कोई बच्चे माँ बाप के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो वो बच्चे माँ बाप के बच्चे है नहीं। जो रचना रचयिता के कंट्रोल में ना हो वो उसकी रचना नहीं, फालतू वो हो। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाप यानी माँ बाप थे तो, लेकिन पूरी पूरी पहचान नहीं हुई। क्या पहचान नहीं हुई? मुरलियों में ये वाक्य आया हुआ है कि ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, दिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। तो वो बच्चे माँ से पावरफुल हुए या कमजोर हुए? रचना किसको कहा जाए, रचयिता किसको कहा जाए? वो बच्चियां रचयिता हुई या ब्रह्मा रचयिता हुआ? क्योंकि माँ बाप को रचयिता कहा जाता है, माँ बाप की रचना है, बच्चों की तो रचना नहीं है। तो ब्रह्मा माँ का रचयिता कौन, वो भी बच्चों को पता नहीं चला। रचयिता तो प्रजापिता और ब्रह्मा माँ हुई, लेकिन ब्रह्मा माँ को भी रचने वाली कोई और थी जो उसे डायरेक्शन देने वाली थी, वो कौन? वो यज्ञ माता जो आदि में मम्मा से भी पहले यज्ञ माता थी। वो यज्ञ माता ब्रह्मा को भी कंट्रोल करती थी। बाबा जब मुझ गए, अपने साक्षात्कारों को नहीं समझ सके, सब उनको कलकत्ते जाना पड़ा।
कलकत्ते में जाकर के जो आदि बीज है, कोई भी बीज होता है तो एक तो बीज ऐसा होता है जिसमें एक ही दाना होता है, और कोई कोई बीज होते हैं जिसमें दो दाने होते हैं, एक अंडरग्राउंड जाता है और एक ऊपर आता है, तो दो दाने हुए। यज्ञ के आदि में ही वो बीज रूप आत्माएं थी दोनों, रुद्रमाला के फर्स्ट दो बन के, एक लेफ्टिस्ट और एक राइटिस्ट। तो यज्ञ के आदि में ही उस बीज के द्वारा ब्रह्मा और सरस्वती की रचना हुई। तो ब्रह्मा उस रूप में तो बननी हुआ, बाकी प्रैक्टिकल वे में बननी नहीं हुआ, और बच्चों ने पहचाना नहीं। तो वही ब्रह्मा जिसको ब्रह्मा बाप का टाइटल मिला, जब वो माता पिता चले गए तब ये किसी आदमी, क्योंकि ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल है, कृष्ण की सोल बच्चा है या बाप है, कृष्ण को क्या कहा, कृष्ण तो बच्चा है, तो बच्चे की माँ भी चाहिए गीता माता क्या, और बच्चे का बाप भी चाहिए गीता पति भगवान। तो माता पिता के बगैर वो कृष्ण बच्चा कैसे अस्तित्व में आएगा क्या, पति में तो स्थूल रूप में कृष्ण बच्चा पैदा होगा, तो स्थूल रूप में माँ बाप भी होंगे, लेकिन यहाँ संगम युग में इसकी शूटिंग चाहिए उन आत्माओं को अपना बोध पाने के लिए कि कृष्ण वाली जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ आत्मा है, फर्स्ट प्रिंस है, पहला पत्ता है, उसके माता पिता कौन। देखो फाउंडेशन तो संगम युग से पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो यज्ञ के आज में माता पिता मौजूद थे। ब्रह्मा को सिर्फ टाइटल मिला है किसका, ब्रह्मा बाप का, ब्रह्मा ही प्रजापिता हुआ, क्योंकि जब दोनों चले गए तो संभाला कितने कारोबार बच्चे, अरे अम्मा बाप मर जाते हैं तो कारोबार कौन संभालता है, है? अम्मा बाप जब मर जाते हैं चले जाते हैं तो कौन संभालता है, बच्चे संभालते हैं, तो बच्चा कौन हुआ, कृष्ण बच्चा हुआ, ब्रह्मा बच्चा हुआ। तो ब्रह्मा बच्चे ने यज्ञ का सारा कारोबार संभाल लिया और बाप का टाइटल बच्चे के ऊपर आ गया, माता पिता का कारोबार संभाला, माता पिता का काम संभाला, तो नाम भी उनका उसके ऊपर आना चाहिए ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा ये टाइटल किसका हो गया, ब्रह्मा। लेकिन टाइटल लेने मात्र से काम नहीं चलेगा क्या, जैसे आजकल के गुरु लोग 3 से 108 टाइटल तो धारण कर लेते हैं, लेकिन टाइटल का काम वो नहीं कर सकते, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है, और टाइटल धारण करके बन जाना वो बात अलग होती है। तो ब्रह्मा की सोल जो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, बच्चा है का मतलब क्या हुआ, सत्य में तो स्थूल बच्चा बनेगा, लेकिन यहाँ कैसा बच्चा, बच्चा माना बच्चा बुद्धि, बुद्धि भी कैसा, जैसे बच्चा होता है बाप बाप ही होगा, ज्यादा समझदार कौन होता है, बाप या बच्चा, बाप जाति समझदार होता है। तो प्रजापिता जो आज में था, जिसका टाइटल ब्रह्मा को मिला, वो प्रजापिता बाप हुआ, समझदार, बात की गहराई को जानने वाला, जिसने इस बात को समझा, अलग को मिला अल्लाह बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। तो बाप का भागीदार कौन होता है, है? बाप के कारोबार में हिस्सा कौन लेता है, बच्चा ही लेता है। जब तक बच्चा जीवित है, बाप जीवित है तो हिस्सेदार है, जब बाप नहीं रहेगा तो हिस्सेदार नहीं कहा जाएगा, फिर क्या होगा, सर्वे सर्वा होगी। तो ब्रह्मा वाली सोल जब शरीर छोड़ देती, तो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा उसी व्यक्तित्व में जो कि यज्ञ के आदि में था, माता पिता के रूप में कंबाइंड बीज, रुद्रमाला का बीज, भाई रुद्रमाला में भी तो कितने मणके होते हैं, पहले रुद्रमाला बनेगी ना, तो रुद्रमाला में भी मणके कितने हुए, 108,
108 में 54 एक तरफ और 54 दूसरी तरफ। तो उनमें जो सबसे ऊपर के दो मणके वो हुए यज्ञ के आदि वाले माता पिता प्रजापिता ब्रह्मा ओरिजिनल, जो आदि में थे तो ही कोई अंत में प्रत्यक्ष होंगे। तो बीच में जो पार्ट बजाया ब्रह्मा ने, वो ब्रह्मा वाली आत्मा उन्हीं में प्रवेश होकर के फिर माता पिता के रूप में, एडम ईव के रूप में, आदिदेव आदिदेवी के रूप में सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती। लेकिन पहले तैयार कौन होगा, रचयिता या रचना? पहले प्रत्यक्षता किसकी होगी? रचना की। पहले तो रचयिता प्रत्यक्ष हो। तो रचयिता बाप माना प्रजापिता, माना राम बाप को कहा जाता है, राम की सोल वो पहले प्रत्यक्ष होती है प्रत्यक्षता वर्ष। तो प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा हुआ? अव्यक्त वाणी में बाबा ने घोषित किया है 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो जरूर बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए या हुआ है? सबके लिए तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जो बड़े बच्चे होंगे वो पहले पहचानेंगे, जो छोटे बच्चे होंगे वो बाद में पहचानेंगे। वहां तो बुद्धि के बड़ेपन की बात है, बड़ा छोटा किस आधार पर है? यहाँ बड़ा छोटा कोई उम्र के आधार पर है क्या, एज के आधार पर है क्या, या ज्ञान में पहले बाद में आने के आधार पर है क्या? नहीं, ज्ञान जिसमें जाति वो बड़ा है। तो जाति ज्ञान वाला वो रिगार्ड का अधिकारी हो गया, बड़ा भाई हो गया, बाप समान हो गया। तो आत्माएं आत्माएं तो सब भाई भाई, प्रजापिता भी आत्मा ही है क्या? सुप्रीम सोल नहीं है, लेकिन आत्माओं में क्या है, है? परमात्मा माना पिता है, आत्माओं का पार्ट बजाने के आधार पर पिता है, मनुष्यों का पिता है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ है? प्रजापिता बड़ा बच्चा हुआ। अरे वो तो बाप हो गया। हाँ, ब्रह्मा जो है, जो बच्चा है, यानी कृष्ण जो बच्चा है, तो ब्रह्मा की सोल क्या हो गई? बड़ा भाई। और जो बड़ा भाई है उसको कहा जाता है क्या? दादा। तो बाप कौन हुआ? प्रजापिता। और दादा कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ये हो गए बाप दादा। एक है अव्यक्त बाप दादा का पार्ट और एक है व्यक्त बाप दादा। तो बाप दादा तो कंबाइंड ही रहेंगे, एक ही तन के द्वारा रहेंगे, पर्सनालिटी एक और आत्मा दो। लेकिन माता पिता स्वभाव संस्कार से कंबाइंड होकर के रहे तब तो विष्णु हो जाएंगे क्या? फिर तो क्या हो जाएंगे? फिर तो विष्णु, फिर तो सत्युग आ जाएगा। तो जब तक सत्युग प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक वो माता पिता स्वभाव संस्कार से भी क्या होंगे? अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। और वो अलग अलग होने चाहिए मेल और फीमेल के रूप में। तो वो ब्रह्मा की सोल उस बाप में प्रवेश करती है चंद्रमा के रूप में। और जब बाप दादा के उस पार्टी की कंबाइंड पार्टी की प्रत्यक्षता हो जाती है बाप के रूप में, जगत पिता के रूप में, तो वो बाप पिता, क्योंकि बच्चा जब मैच्योर होता है यानी नौजवान होता है तभी तो शादी होगी, कि पहले ही बंदा बन जाएगा पैदा होते ही है? पहले बाप की प्रत्यक्षता, फिर किसकी प्रत्यक्षता? नहीं, पहले बाप की प्रत्यक्षता, फिर है माँ की प्रत्यक्षता, गीता माता की प्रत्यक्षता। पहले बाप की जयंती, फिर गीता माता की जयंती होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों की जयंती होनी चाहिए। तो 83 में बाबा ने बोला अव्यक्त वाणी में कि सन 83 है तो 13 होना चाहिए ना। तो क्या 83 तक इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान लिया, कोई बाप का बना ही नहीं क्या है? अरे वर्टिकल में नहीं बना और ये कायम बने, हवा में उड़ते हुए बन गए क्या? खिलाड़ी में बन गए, वर्टिकल में नहीं बने। क्यों? बाप को पहचाने? हाँ, बाप के पार्ट तो कोई नहीं पहचान, बाप के स्वरूप कोई नहीं पहचाना। बाप के स्वरूप को सबसे पहले तो माँ पहचाने। तो 83 में 13 होना चाहिए ना, इसका मतलब 83 में वो आदि शक्ति पहले पहले आती है रंगमंच पर और बाप को अपना बनाती।
या बाप उसको अपना स्वीकार करता है कि तुम मेरी हो, मेरी हो माना मेरी बनी हो, तो वो हो गए बना हुआ बनना और वो हो गई बनी हुई बननी। ये बनना बननी का खेल हो गया। अच्छा तो गीता जयंती हो गई, गीता जयंती, गीता माता की जयंती, और फिर उसके बाद बच्चों में भी कौन सा बच्चा है? पहला बच्चा कौन, फर्स्ट प्रिंस कौन दुनिया का? वो तो कृष्ण सचिव में होगा। और यहाँ है यहाँ कृष्ण की आत्मा, तो कृष्ण की आत्मा कहाँ से आए? जिसके माथे पर चंद्रमा वो तो आदि देव हो गया, जगत पिता एडम हो गया। और ब्रह्मा की सोल वो माता यज्ञ के आदमी जो थी, जो दोबारा तिबारा जन्म लेकर के यज्ञ में फिर आती है, उसके थ्रू बन्नी बन गया, यानी जगदम्बा की प्रत्यक्षता तो होती है। पहले जगत पिता, फिर जगदम्बा, फिर पहला पहला बच्चा। सचिव में तो स्थूल बच्चा पैदा होगा, छोटा बच्चा स्थूल में खिलाने योग्य, लेकिन यहाँ है संगम योगी कृष्ण। यहाँ कोई बच्चे के रूप में जन्म लेने की बात नहीं है, यहाँ है बेहद का बच्चा। बुद्धि से उसको पहचाना जा सकता है, लेकिन वो बच्चा और बाप दोनों एक ही शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं। तो ब्रह्मा की सोल, मम्मा बाबा की सोल, जिसके लिए मुरलियों में बोला हुआ है कि मम्मा बाबा भी बच्चों में प्रवेश करते हैं। नंबर बाहर पुरुषार्थ होता है, कौन से मम्मा बाबा प्रवेश करने वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी में कौन सी आत्मा हुई? वही ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा, और उनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे उस तरह के, वो शरीर उधर छोड़ते जाएंगे और इधर बीज रूप आत्माओं में प्रवेश करते जाएंगे। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो ऊंची से ऊंची आत्माएं हैं वो हो गई ब्रह्मा सरस्वती। तो ये प्रवेश करके ये अपना पार्ट बजाती, ब्रह्मा की सोल जगदम्बा ब्रह्मा का पार्ट बजाती, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। तो ब्रह्मा का असलियत क्या हुआ? बड़ी से बड़ी मां, जिसकी कोई मां न हो, आदि शक्ति, आदि देवी, आदि देवता और आदि देवी। ये जगत पिता और जगद अम्बा ये फर्स्ट पार्ट हुए प्रत्यक्ष होने वाले। उसके बाद कृष्ण बच्चा, तो संगम भी कृष्ण बच्चे का मतलब है कि कृष्ण की ही सोल प्रवेश करके किसी बच्चे में फिर कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होती। तो ये प्रश्न नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मा की सोल सब बच्चों में प्रवेश होती रहेगी क्या? नहीं समझ आया? कृष्ण की आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 जन्म। तो 84 जन्म की शूटिंग कहाँ करेगी? शूटिंग भी तो यही करेगी, जन्म लेना माना निश्चय पक्का हो जाना, और निश्चय फरना माना मौत, ज्ञान से मृत्यु। तो ये जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है। शंकर के लिए शास्त्रों में कभी ऐसे नहीं कहा कि वो जन्म मरण के चक्र में आता है क्या? शंकर को सबसे ऊंची कैटेगरी में क्यों दिखाया गया, ऊंचे तबके में? चुबारा के साथ परम धाम के बिल्कुल नजदीक क्यों दिखाया गया? हाँ, कि जैसे शिव बाप ज्ञान का सागर है, अडोल है, अखंड है, ऐसे ही वो आत्मा भी नित्य में अखंड और अडोल पाठ बजाती है। ज्ञान सूर्य है तो ज्ञान का कोई सितारा भी है जो अटल है। ज्ञान का सागर है, अडोल है, अखंड है, ऐसे ही वो आत्मा भी नित्य में अखंड और अडोल पाठ बजाती है। ज्ञान सूर्य है तो ज्ञान का कोई सितारा भी है जो अटल है। वेद सितारे हैं आसमान में, वो तो स्थूल सितारे, तो उनके माने में कोई चैतन्य सितारे भी हैं। तो जो चैतन्य सितारे हैं आसमान में, कितने सितारे गाए जाते हैं? कहते हैं 9 लाख सितारे हैं आसमान। वो तो कौन से सितारों की बात है? उन सितारों की बात नहीं है, वास्तव में चैतन्य 9 लाख सितारे आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, कृष्ण के आदि से लेकर के अंत तक ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है। वो है वो सब कोई गीता का पाठ छोड़ रही है। अच्छा ये वाणी चल रही थी 25-12-91 की, पहले पेज का अंत। तो जिनको कल्प पहले ये ज्ञान दिया था उन्हीं को देंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार।
जिस नंबर में ज्ञान दिया था कल पहले कब हुआ है? कल पहले कब हुआ? कल पहले की बात याद है? छह की सिक्स में पहले ये ज्ञान कब दिया, किसको दिया? बाबा बोला ना, जिन्हों को कल्प पहले ये ज्ञान दिया था उन्हीं की बुद्धि में पहले बैठेगा और दूसरों की बुद्धि में फिर नंबरवार बैठेगा। तो कल्प पहले किसको दिया था है? कुछ याद है? प्रजापिता को दिया। उसके बाद किसको दिया था? ब्रह्मा को दिया। प्रजापिता ने डायरेक्ट ब्रह्मा को दिया था है? यज्ञ माता माने जगत माता को दिया, और जगत माता के थ्रू किसको मिला? ब्रह्मा बच्चे को मिला। फिर नंबर वार पूछा तुमको, तो ये प्रत्यक्षता होनी है उसी रूप में, उसी स्वरूप से बच्चे प्रत्यक्ष होते रहेंगे जैसे रूप से पहले प्रत्यक्ष हुए यज्ञ की आदि। तो इसलिए बोला, क्या बोला? रचना और रचयिता का ज्ञान बाप दे रहे हैं, जिनको कल्प पहले दिया था उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा। नंबर वार पुरुषार्थ का भारत में रचयिता बाप आकर के रचयिता और रचना का ज्ञान दे रहे, ये फैलेगा और बाहर में भी सबके पास जाएगा। ऐसे नहीं समझना कि एडवांस नॉलेज कोई भारत की भारत में ही रह जाएगी। क्या पहले तो बेहद में विश्व में जाएगा। बेहद का विश्व कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया ही बेहद का विश्व है, उसमें वो स्थूल देशों की बात नहीं है। बेहद का विश्व होना माना जो इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के जो बीज हैं, जो वृक्ष हैं, पहले उनकी बुद्धि में बैठेगा, फिर उसके बाद जो आधारभूत आत्माएं हैं और धर्मों की उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो आधारभूत में भी बाहर जाता है तो बीज रूप आत्माओं में भी पहले बाहर जाता है और फिर बाद में है वो दुनिया जो पुरानी दुनिया स्थूल दुनिया मानी जाती है। बेहद की कौन सी? 500 करोड़ की दुनिया, उसमें भी ये ज्ञान जाएगा। कौन सा? तो सर बेसिक नॉलेज ही नहीं, वो तो जा ही रही है, लेकिन एडवांस नॉलेज भी जाएगी। जाएगी नहीं बल्कि पहुंच चुकी है। क्या? विदेशों में स्थूल रूप में, स्थूल के विदेशों में भी ये नॉलेज पूरी की पूरी पहुंच चुकी है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक बीज न सुधरे और जब तक जड़े न सुधरे तब तक पत्तों और टहनियों को तो कहां से पावर मिल जाएगी? तो कोई न कोई विघ्न आता है। तो ये रचयिता रचना का ज्ञान बाहर भी जाएगा, फैल पा जाएगा। जैसे भारत में रचयिता बाप आकर के रचना और रचयिता का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे विदेशों में भी देंगे, ये भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते हैं। क्या? चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया के विदेशी हो, चाहे आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया के विदेशी हो, और चाहे बाहरी दुनिया के विदेशी हो, उनका फिर ये प्रश्न का समाधान हो जाएगा कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। क्या बीज रूप आत्मा भी स्वर्ग में नहीं जाती है? बीज तो अनादि होता है, अविनाशी होता है। बीज तो पाई जा उसको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, है? जो सभी समर्थन पहले तैयार होगा उसमें सब बीज रूप आत्मा पहले नहीं जाएगी। ब्रह्मा जैसी आत्मा का ग्रुप, बाप जैसी आत्मा, राम धर्म के इब्राहिम जैसी आत्मा का ग्रुप, बुद्ध जैसी आत्मा का ग्रुप, बीज रूप आत्माओं में भी ग्रुप है। 12 12 के 8 ग्रुप, 12 में 108 की ये लंबा बार आना बननी। तो जिस नंबर के जैसे जैसे मणके हैं उनकी बुद्धि में उसी रूप में बैठेगा। ऐसे नहीं पहले सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा, एक साथ बन जाएगा। तो फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। उनको पता चल जाएगा बना बनाया जाना है, उसमें हर्ज नहीं कर सकता। पुछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे। क्या? कोई कहते हैं कोई की कही हुई बात कोई नहीं सुनेगा। जब पिछाड़ी होगी तो क्या होगा? एक बात के सब सुनेंगे, समझेंगे बरोबर। हम इसे ड्रामा त्याग कर और बात डायरेक्टर थिएटर बुक लॉक करें,
एक वृक्ष के अंदर ही अनेक प्रकार के वृक्ष पैदा हो जाते, तो ऐसे ही ये वैराग्य भाव, लेकिन उसमें दूसरे दूसरे बीज भी आकर के तने में बैठ जाते हैं और वो जड़ जमा जाते हैं उस तने के अंदर, ऐसा अक्सर देखा जाता है। हाँ, तो ये वैराग्य धर्मों का झाड़ है, कोई एक धर्म का झाड़ नहीं है, सबका बुद्धि का ताला खुल जाएगा, चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे आधार मूर्त जड़ों की आत्मा हो, जड़ों वाली आत्माओं की दुनिया हो, और चाहे बाहरी दुनिया 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया हो। वैसे अखबारों में भी ये बात आती है, तीसरी दुनिया के लोग, तीसरी दुनिया सुनिए कभी अखबारों में, न्यूट्रल देशों को क्या कहते हैं, न्यूट्रल देशों का संगठन। तो ऐसे ये बीज रूप आत्माएं भी जब निसंकल्पी स्टेज में स्थिर होती है तो न्यूट्रल अवस्था में होती है, उस समय जो उनका निर्णय होगा ज्ञान के बारे में, आत्माओं के बारे में, सत्य चक्र के बारे में, रचयिता रचना के बारे में, वो एग्जैक्ट निर्णय होगा। लेकिन ये अवस्था हमेशा तो रहती है, क्योंकि है तो सब बीज नंबर बार पुरुषार्थ होता, एक जैसे सब बीज तो है नहीं। तो समझेंगे बरोबर कि हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी है, वैरायटी धर्मों का ये झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं ये क्या हुआ, क्या अम्मे बाप की बुद्धि का ताला खुलना, क्या कृष्ण बच्चे ही का ताला खुलना, हमारी बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा, हमको पता नहीं चलेगा हम कौन से देवता देवी बनने वाले है, तो ऐसा संख्या पैदा करने की बात नहीं है। पहले अव्यक्त वाणी में बाबा बोलते थे, माता पिता के अलावा और किसी का पार्ट प्रत्यक्ष नहीं है, फिर अभी क्या बोला लास्ट में आकर के 87-88 के आसपास, 2-3 के अलावा और किसी की सीट फिक्स नहीं हुई, तो 2 के साथ से तीसरा भी ऐड कर दिया, अभी सबका ताला बंद है। तुम्हारी धर्म की बात अलग है, क्या क्या था? जो ब्रह्मा जैसी जो 12 आत्माएं हैं, उनमें भी 12 कैटेगरीज हैं। ब्रह्मा तो देवी देवता सनातन धर्म का आदि है ना, वो तो मात्र देश है ना, मदर कंट्री है ना, लेकिन उसमें भी सब नंबर वार, एक जैसी वो माताएं नहीं है, क्या वो अधर कुमारियां भी एक जैसी नहीं है, जिस अधर कुमारी का मंदिर कहां गया हुआ है, माउंट आबू में, तुम्हें भी कोई किसी धर्म से ज्यादा कनेक्शन रखने वाली, प्रभावित होने वाली अनेक जन्म है ना, कोई एक जन्म की तो बात है नहीं, कोई किसी धर्म से कनेक्टेड होने वाली, प्रभावित होने वाली, तो वो भी जो 12 आत्माएं हैं, 12 का ग्रुप, हाँ मतलब वो तो उस ग्रुप में आ रहे हैं, वो तो उस ग्रुप में आ रहे हैं, किस ग्रुप में, ब्रह्मा जैसे ग्रुप में, ब्रह्मा जैसे ग्रुप में जो अनेक धर्म की आत्माएं हैं, हाँ तो वो तो अलग अलग धर्म से कनेक्ट, अलग अलग धर्म से कनेक्शन रखने वाली है, कोई है थोड़े दूसरे धर्मों की, संग का रंग लगने से उनके ऊपर उस समय वो प्रभाव पड़ जाता है, ग्रुप में दोनों आए, वही ब्रह्मा जैसी आत्मा ही आएंगी, अश्वेतम की बात नहीं है, अश्वेतम जो है वो अलग, आठ धर्मों के जो है वो बात अलग है, अश्वेतम जो है वो किसी एक धर्म विशेष के ग्रुप से नहीं बनते, वो बीज रूप आत्माएं हर धर्म के ग्रुप से एक विशेष आत्मा चुनी जाती है, 9 धर्म मुख्य हैं, जो परमात्मा बाप से बादशाही प्राप्त करते, राजा ही प्राप्त करते, नास्तिक धर्म से प्राप्ति ही नहीं कर पाता, तो 9 धर्मों के जो मुखिया है, 9 धर्मों के 9 ग्रुपों के जो मुखिया है, 12-12 का एक एक मुखिया, 12 में से एक, तो कितने हुए मुखिया, 9,
तो वो नौ रत्न जो है वो तो अलग है नवरत्न, और एक ग्रुप पूरा बारह का ब्रह्मा जैसा ग्रुप हो, चाहे शंकर जैसी आत्माओं का ग्रुप हो, चाहे इस्लामियों जैसी आत्माओं का ग्रुप हो, बीज रूप आत्माओं के अंदर वो ग्रुप अलग है। हर एक ग्रुप में भी बारह बारह कैटेगरीज है। अरे दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं कितनी राशियों में बटी हुई है, दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं कितनी राशियों में बटी हुई है, कितनी कैटेगरीज है, बारह राशियां हैं। जन्म स्थान के आधार पर, परिवार के आधार पर, माता पिता के नाम के आधार पर, वेला के आधार पर उनकी कैटेगरीज बढ़ती चली जाती है, उनकी चलन अलग अलग है, ज्योतिष में आ ही जाती है। तो हम बच्चे भी तो ज्योतिषी बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले, पहले तो अपने चौरासी जन्मों को जानेंगे, अपने से भी पहले अपने माता पिता के चौरासी जन्मों को जानेंगे, पहले माँ बाप प्रत्यक्ष हो उनके जन्म क्लियर हो, फिर बच्चों के जन्म भी क्लियर हो। तो ये बताया कि अंत में सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है माने ब्रह्मा जैसी जो बारह आत्माएं हैं उनमें माता पिता को छोड़ करके जो कृष्ण बच्चा है वो तो बच्चा भी वही है, तो बाप भी वही है, वो तो अलग अलग है ही नहीं, पर्सनैलिटी एक हो गई क्या। वैसे दुनिया में कोई कंपनी बनाते हैं तो क्या कह देते हैं, एंड सन्स, नाम किसका होता है, बाप का, और बाकी लगा देते हैं एंड सन्स, बच्चे का नाम देते भी नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी है, माता पिता उनकी बुद्धि का ताला तो खुलता है, उस बच्चे की भी बुद्धि का ताला खुलता है, कौन से बच्चे का, जो पूरे चौरासी जन्म लेने वाला बच्चा है, सबसे जाती निश्चय और अनिश्चय के जन्म मन के चक्र में आने वाला बच्चा है, कौन है, ब्रह्मा की कुल, वो भी इस समय पढ़ाई पढ़ रही है क्या, उसकी भी पढ़ाई कितने साल की है, मुरलियों में बाबा ने पढ़ाई कितने साल की बताई, कितने वर्ष की पढ़ाई, 50 साल की पढ़ाई, तो 50 साल की पढ़ाई कब पूरी होती है, 88। तो कृष्ण बच्चा जन्म लेते ही एकदम थोड़े ज्ञानी बन जाएगा, कुछ बड़ा होने में टाइम तो लगेगा, बाकी बीज अक्षरों का ज्ञान तो मिल जाता है बचपन में, ए बी सी डी, कोई जरूरी थोड़े ही 84 जन्मों का पूरा ज्ञान मिल जाए। तो अभी सबका ताला बंद है, तुम्हारी धर्म की बात अलग है, क्या कहा, यानी ब्रह्मा जैसी जो बारह आत्माएं हैं उसमें भी पक्की नहीं है, कुछ न कुछ प्रभावित होने वाली आत्माएं, तो तुम्हारी बात अलग है, सबकी बुद्धि का ताला बंद है, अपने स्वरूप की भी पहचान पूरी नहीं हो रही है, ये पहली अब तक भी जीव की थी यज्ञ में बनी हुई है, कौन सी पहली, जो आदि की पहली थी, कौन सी, मैं कौन, Who am I? तो बच्चों के लिए ये पहली अभी भी बनी हुई, बच्चों के लिए तो छोड़ो माँ के लिए भी ये बनी हुई है, कभी कभी वो माँ के लिए भी पहली बन जाती है, तो है? हाँ, पहले जन्म वाले को पहले पता चले कि मैं पक्का हूँ कि नहीं, मैं बाप हूँ कि नहीं, जब पहले वाले को पता नहीं चल रहा है, हाँ की माँ की संगमी की प्रत्यक्ष है तुम्हारे लिए, तुम्हारी अपने लिए तो पहले प्रत्यक्ष होता है, तुम्हारी बाप के लिए प्रत्यक्ष है कि उसमें भी निश्चय अनिश्चय होता है, रोते तो नहीं हो कभी, कभी रोते तो दुख तो नहीं होता, होता है जब दुख होता है, तुम तो खुद ही बाप के बच्चे नहीं हुए, जो बाप के बच्चे होंगे वो स्वर्ग में होने चाहिए नरक में होने चाहिए, दुख की रोने की दुनिया में होने चाहिए, जो होगा तब होगा, अभी हमारी मन बुद्धि में थोड़ा ही हो सकता है, अभी तो हमारी मन बुद्धि में भी नहीं होना है, हमने पक्का कर लिया है क्या, अरे मन बुद्धि में तो स्वर्ग स्थापन हो सकता है, सीढ़ी तो बहते जैसे कृष्ण को दिखाई जाती है, तो बुद्धि रूपी हथेली में तो हमें स्वर्ग दिखाई पड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी नंबरवार होता है, क्यों विस्मृति हो जाती है, बताया
क्या बताया, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये 12 पत्तों का भी जो झाड़ पहले तैयार होता है ब्रह्मा जैसी 12 आत्माओं का, तो उसमें भी क्या है, वैरायटी धर्म से कनेक्टेड आत्मा है। तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे धर्म की बात अलग है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है। ये किससे कहा है? रामकृष्ण की आत्माओं के लिए। सुप्रीम सोल किसको बैठ पढ़ाता है? पहले पहले किसको पढ़ाता है? शिव बाबा के कितने बच्चे? ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाता है, बाकी रहा शंकर, तो कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए। वैसे ब्रह्मा तो बच्चे के रूप में पार्ट बजाने वाली दुनिया में भी पति में जो फाउंडेशन यहाँ डाली जानी है वंश परंपरा की, तो सतयुग में भी कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे। इसका फाउंडेशन कौन डालता है यहाँ? शिव बाबा। तो उसके भी कितने बच्चे? 2। कौन कौन है? राम कृष्ण, यानी पुत्र के रूप में और पुत्री के रूप में। तो ब्रह्मा और शंकर, ये 2 ही आत्माएं हैं जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, जो पहले पहले बाप को समझने वाले हैं। तो तुम्हारी बात अलग है, बाकी तुम ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, धीरे धीरे सब समझते जाओगे। तो ड्रामा प्लान अनुसार 25/91 की दूसरा पेज, ड्रामा प्लान अनुसार जो स्वर्ग में आ नहीं सकते हैं, तो दूसरे दूसरे धर्म के, यानी 12 पत्तों का जो झाड़ है जो पहले तैयार होना है, उसमें भी नंबरवार बन जाते, उनमें भी कोई पहले ऐड होंगे, कोई बाद में ऐड होंगे। 1 सेकंड का पेपर होगा। क्या क्या था लास्ट में पेपर? कितने टाइम का होगा? 1 सेकंड का। जिसको जिस ट्रेन से जाना होगा वही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी। उसको कहेंगे बाप का बुलावा तो साल का बुलावा। 1 सेकंड भी देरी की और नंबर नीचे उतर जाएगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये स्वर्ग में नहीं आ सकते दूसरे धर्म वाले, क्योंकि स्वर्ग भी तो नंबर ला रहे हैं ना। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, ये उनकी बुद्धि में बैठेगा। क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े ही आया था, यानी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी जो क्राइस्ट की बीज रूप आत्मा है, जब संगम में भी स्वर्ग का संगठन तैयार होगा तो कोई पहले पहले नहीं आ जाएगा, सब आएगा बाद में आएगा। ये बातें सब इस झाड़ से ही सबकी बुद्धि में आ जाएगी। दूसरे धर्म वाले कौन से चित्र से समझेंगे? बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी झाड़ से सारी बात समझ जाएंगे, सीधे से नहीं समझेंगे। क्या उनकी भी बुद्धि में पहले पहले सीढ़ी से बात नहीं बैठेगी? क्यों? न तो वो सतो प्रधान ज्यादा बनते हैं, न ज्यादा समो प्रधान बनते हैं। झाड़ बड़ा अच्छा, बाबा को झाड़ बहुत अच्छा लगा, वो सबकी बुद्धि में बात बैठ जाएगी, समझेंगे ये बना बनाया नाटक है, बाकी योगी की बात तो तुम समझते हो क्या? वो ये समझ जाएंगे कि हाँ ये तो बना बनाया ड्रामा है, हमें क्या करें, क्या करें, हमने बहुत फाफे मारे, बहुत मेहनत की, हिटलर नेपोलियन मुसोलिनी इन्होंने बहुत फाफा मार करके सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश तो बहुत कर ली, लेकिन बाहुबल के आधार पर विश्व की बात का ही प्राप्त नहीं कर सकते, तो समझेंगे ये बना बनाया ड्रामा है, बाकी योग की बात तो तुम समझते क्या? वो तो बाहुबल की बात है, उनकी बुद्धि में आ जाती है तो उसी को अप्लाई कर बैठते, विश्व की बात का ही गवाही देते, बाकी तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी माने रामकृष्ण वाली आत्मा है, जगत पिता और जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है व्यक्तित्व, उनकी बात अलग है। क्यों? क्योंकि जो है सच्चे योगी
योगी माना बाहुबल का उपयोग न करें, सिर्फ काय का उपयोग करें, लव फुलता है, जो लव है वही योग है, इसलिए उसको ही योग कहा जाता है। लगन नहीं है तो योग नहीं, लगन माने लगाव, जहाँ लगाव है वहाँ योग है, और लगाव नहीं प्रीति नहीं तो योग काय का। जबरदस्ती हाथ पांव बांध करके आंखें टांग करके बैठ जा तो उसको योग कहेंगे क्या? नहीं। या आंखों में आंखें डाल करके बैठ जा उसको योग कहेंगे क्या? अब पता नहीं देखने वाला किसी व्यक्ति से देख रहा, रावण ने भी तो राम को देखा लेकिन कैसे देखा है? घृणा की दृष्टि से देखा, क्रोध की दृष्टि से देखा, या योग की सबसे योग की दृष्टि से देखा? कैसे देखा है? घृणा की दृष्टि से देखा, दुश्मन की दृष्टि से देखा, क्रोध की दृष्टि से देखा, तो उसको योग नहीं कहे। तो बाकी योग की बात तो तुम समझते, हम पावन बन बाप को याद करें क्या? कैसे याद करें? आत्मा की सारी सत उतर जाने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। ये आत्मा रूपी सुई जब उसकी सारी सत उतर जाती है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ तो किया बिंदु को याद करने का, क्योंकि वो भी तरीका बताया हुआ था, रिफाइन तरीका न सही आते तरीका ना, तो बिंदु को याद करने करते 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 मन बुद्धि रूपी आत्मा जिनकी सूक्ष्म बन गई, और जिनकी पहले सूक्ष्म बनती है वो पहले पहले बाप से डायरेक्ट पढ़ाई करने की अधिकारी बन जाती। ये हिसाब बाबा ने बताया कि जिस आत्मा की या जिन जिन आत्मा रूपी सुइयों की पहले कट उतरेगी वो पहले पहले डायरेक्ट बाप से सीखे। तो कितना भाग्यशाली अपने को समझना चाहिए कि 500 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया और उसमें से इतने थोड़े से पुरुषार्थी ब्राह्मणों की दुनिया में निकले, लाखों की तादाद में समझ लो, और उन लाखों की तादाद में पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों में से हम थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्होंने बाप को प्रैक्टिकल रूप में पहचाना और पहचान करके बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके उस समय जब वो पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी उस समय कट उतरी हुई होती है या चढ़ी हुई होती है? आत्मा की कट उतरी हुई होती है। भले दुनिया का विनाश नहीं हुआ, शरीर तो पावन नहीं बन सकते क्या? जब तक पूरी दुनिया का वाइब्रेशन सही ना हो संगठित रूप में तब तक शरीर तो पावन नहीं बन सकता, लेकिन आत्मा तो पावन बन सकती है। लेकिन यहाँ शूटिंग का चक्कर और चल रहा है क्या? कृष्ण की आत्मा भी उस शूटिंग के चक्कर में चलती रहती है, पहले सतो प्रधान फिर हर आत्मा को समो प्रधान बनने का पार्ट बजाए। तो बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो बच्चे भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए। हाँ इतना कर सकते हैं कि जिनकी बुद्धि में प्योरिटी ज्यादा होगी या प्योरिटी के प्रति पुरुषार्थ ज्यादा होगा उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी पात्र जो है, ऐसा साफ बना बना रह सकता है ज्यादा लंबे समय तक, शूटिंग पीरियड में भी उतरती कला में भी, कि वो ज्यादा से ज्यादा बाप के साथ संबंध और संपर्क जोड़ करके रखे। रामकृष्ण जैसी आत्मा, रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध और संबंधित होकर के रहे और अपने को नीचे ज्यादा न गिरने। बाकी नीचे तो सबको गिरने। तो योग की बात तुम समझते हो, हम पावन बन बाप को याद करें तो जिक्र विनाश हो, अपवित्र बनते रहे और चाहे कि हम बाप को भी याद करते रहे तो न याद आएगी असली विचारी याद आएगी, माँ में कभी याद नहीं आ सकती। विचारी याद आएगी तो क्या होगा? दुनिया में जहाँ विचार पैदा होता है वह चालों में तो वहां एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, क्योंकि वह चाल है ईर्ष्या जैसे लगा रहेगा, मेरा तेरा लगा रहेगा, मेरे को ज्यादा प्यार करती उसको प्यार नहीं करती, ऐसी भावनाएं चलती रहेगी, या मेरे को ज्यादा ये प्यार करता उसको प्यार नहीं करता, तो झगड़ा होता रहेगा। तो अब हमको अगर बाप के साथ
याद करके जिक्र में अपने भस्म करने हैं तो क्या करना है? पहला पुरुषार्थ पवित्र रहने, पावन बन, ऐसे पावन बने जो हमारी आत्मा की सुई की सच उतरी ही बनी रहे। ऐसा न हो कि सत्य चरती जाए और जिक्र में हमारे बिना हो जाए। जब योग युक्त हो जाएंगे तब हमको अपना भी पता पड़ जाएगा। क्या हिम्मत हार के नहीं बैठ जाना है? अरे हमको तो अपना पता ही नहीं चला है, इतने साल विज्ञान में चल रहे हैं। आई ये तो हमारे लिए पहली बनी हुई है। अरे बाप अम्मा जो कुछ बन गए होंगे तो बन गए होंगे, हमको तो पता ही नहीं चला। सब पता तब चलेगा। बच्चों को पता है, याद में रहेंगे। किस याद में रहेंगे? क्या याद है? मामे को याद करो, इसकी याद में रहेंगे है? किस याद में रहेंगे है? अपने स्वरूप की याद में, बस मैं आत्मा हूँ बस। इतनी याद से ही हमको सब कुछ पता चल जाएगा 84 जन्मों का। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो अपनी आत्मा को याद करने से हमको अपने 84 जन्मों का पता पड़ जाएगा। हाँ, बाप ही हमारे आगे पीछे जन्मों की थ्योरी को जानता है। वही हमको ऐसी टेक्निक बता देगा, ऐसा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा कि जो हमारे 84 जन्मों की सारी कहानी खुलती जाएगी। तो जब योग युक्त हो जाएंगे तो अपना भी पता पड़ेगा। किससे योग युक्त होना है? बाप से। बाप से जब योग युक्त हो जाएंगे, बाप के बच्चे बन जाएंगे, तो आपस में क्या संबंध हो जाएगा? आपस में भाई बहन का संबंध हो जाएगा। और जब भाई बहन का संबंध पक्का हो जाता है तो हुए पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाप का नाम बाला करने वाले योग युक्त बच्चे, नाम बदनाम करने वाले बच्चे नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नाम बदनाम करते हैं, ऐसे भी परिवार होते हैं। बाबा ने कहा भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता, बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, उसको भी गंदा बना देता है। तो एक बाप दूसरा दूसरा नकल सब रिहर्सल करती है। बाप अच्छी तरह से जानता है इन बातों, बाप आकर के अनुभवी रख लेते हैं, तो बाप तो जरूर जानेगा। अगर जानेगा नहीं तो ऐसा प्रबंध कैसे करेगा जिससे स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो, शिवालय बने, वैश्यालय न बने? क्योंकि शिवालय बनाने के लिए, वैश्यालय को खत्म करने के लिए कुछ करना भरना भी तो तरक्की करना पड़ेगा, कि बातों बातों से काम चल जाएगा। तो हम पावन वन बाप को याद करें तब भी कर्म विनाश हो। ऐसे नहीं अपवित्र भी होते रहे और बाप को भी याद करते रहे और समझे कि हमारे भी कर्म विनाश हो रहे हैं, हम बहुत ऊंचा पड़ पाएंगे। जब योग युक्त हो जाएंगे, रचयिता और रचना की नॉलेज समझेंगे, लेकिन आगे चल करके समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। लेकिन ये मुरली तो पुरानी बोली हुई है। क्या था ये मुरली? कब की बोली हुई है? ब्रह्मा के तन से बोली हुई है ना, 69 से पहले बोली हुई है ना। तो आगे चल